and all, you know. What was the one thing which, you know, कि आपको लगा कि yes, I wanted to be a part of it. जब आपको brief दिया गया कि आपको they want you to be a part of this project, what was the first brief that clicked, you know? I think the song, because the song वाकई बहुत अच्छा है. जब मैंने song को पहली बार सुना था तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि ये सॉन्ग बहुत स्लो है, बिकॉज मैंने फ़ोन पे सुना था. एंड देन उसके बाद मैंने स्पीकर पे लगा के गाना सुना. एंड देन जब मैंने इसकी लिरिक्स सुनी तो मुझे इसकी लिरिक्स बहुत अच्छी लगी. एंड आफ्टर दैट जब मुझे एक स्टोरी का ब्रीफ आया कि कैसे हम इसे प्लान कर रहे हैं शूट करना है एंड ऑल, सो वाकई मुझे एवरीथिंग, मुझे सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे बहुत ही यू नो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील हुआ कि यार आई थिंक आई शुड नॉट मिस दिस सॉन्ग. बिकॉज ये सॉन्ग अपने में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है. एंड आई वुड से कि ये ऐसा सॉन्ग है जो जिसकी ना एक्सपायरी डेट नहीं है. ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. लोग उसे प्यार देते रहेंगे और ये आगे बढ़ता रहेगा. आप खुद कितना रिलेट करते हैं? द मोमेंट द वीडियो स्टार्ट, वो कहती है, आप कहते हैं कि जी दोस्त प्यार, मैं आप होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच रहा हूँ. नहीं, वेल मैं जब भी एक्ट करता हूँ किसी भी म्यूजिक वीडियो में या फिर मेरा कोई भी कैरेक्टर, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उस कैरेक्टर की जो यू नो उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो पास्ट है, वो समझूँ और उस हिसाब से एक्ट करूँ. ना कि मैं ये समझता हूँ कि मैं सिद्धार्थ निगम हूँ और मेरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ होगा इसलिए मैं इस तरह के एक्सप्रेशन दे रहा हूँ. डेफिनेटली नॉट. मैं हमेशा कैरेक्टर के यू नो बारे में सोचता हूँ कि अगर ये कैरेक्टर, अगर ये इंसान अगर इस फीलिंग्स में जाएगा या उसके साथ ऐसा फील या उसके साथ ऐसा कुछ होगा तो उसे कैसा फील होगा. कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत रोने का मन करता है बट कोई होता नहीं है कि आप उसके सामने जाके रो सकें या कोई होता नहीं है. मेरा कभी नहीं हुआ और जब भी हुआ मेरी माँ हमेशा मेरे साथ थी. बहुत रियल स्पेस में लगता है सब कुछ. मैं वसीम से जानना चाहूँगा, बहुत अयूब साहब से जानना चाहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है सब कुछ जितना भी स्क्रीन पे नजर आता है. और जो आज की यंगस्टर है, जो जनरेशन है, वो बहुत रिलेट करेंगे. आप कॉलेज को उठा देंगे, क्या लगता है आपको कि एक टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाया गया है? हालांकि द सॉन्ग लुक्स रियली रियली गुड. कोई बात नहीं होता है. मैं फिर से पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह का गाना आपने बनाया है वो मुझे लगता है कि यंगस्टर को बहुत अपील करेगा. आई होप सिद्धार्थ एंड सौम्या एग्री ऑन दिस यू नो व्हाट आई एम सीइंग इन द मोमेंट. सौम्या तुम बताओ, कैन यू रिलेट? लड़कियों को करना पड़ता है लड़की का प्यार जीतने के लिए. सिद्धार्थ, आपके भी अनगिनत दोस्त हैं, हम जानते हैं इंडस्ट्री से. अनगिनत दोस्त? हाँ, ऑफ कोर्स यू हैव बंच ऑफ फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. तो प्यार दोस्ती है? जी हाँ, डेफिनेटली प्यार दोस्ती है. दोस्ती प्यार है. आप जितने भी दोस्त होते हैं आप उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब भी वो मुसीबत में हो तो आप उनके साथ खड़े हो सकें. अगर वो गम में है तो उनके साथ गम बांट सकें, अगर वो खुश हैं तो उनके साथ उनकी खुशियाँ भी बांट सकें. तो आई थिंक दोस्ती इसीलिए ही होती है और इतनी अच्छी ये बॉन्ड बहुत अच्छा है दोस्ती. आपको लुक, आपके लुक को लेकर क्या ब्रीफ था? बड़े मतलब मुझे लग रहा है आपकी हल्की हल्की सी बियर्ड रखी गई है, जवान हो रहे हैं आप, मैच्योर करने की कोशिश करी जा रही है. हाँ, व्हाट इज द यू नो ब्रीफ अबाउट लुक को लेकर, कितने लुक टेस्ट हुए कि हाँ यार इस पे जीरो डाउन करना है, ये लुक रहेगा? वेल मोस्टली जो लुक्स होते हैं वो मैं खुद से डिसाइड करता हूँ कि मेरी म्यूजिक वीडियो में क्या लुक होना चाहिए. जैसे कि मैं हमेशा डायरेक्टर के साथ बैठता हूँ बिफोर द शूट कि सर प्लीज़ मुझे बताइए कि कैरेक्टर की डिमांड क्या है और स्टोरी की डिमांड क्या है, स्टार्ट टू एंड क्या है, इसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि एक ग्राफ होता है हर कैरेक्टर का. तो मैं वो सब चीज़ें यू नो पर्सनली जाके डायरेक्टर से पूछता हूँ कि सर मुझे प्लीज़ बताइए, सो दैट आई कैन यू नो टेल माई सेल्फ की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं. और रही बात कैरेक्टर की, तो जब म्यूजिक वीडियो की ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं बट औरों के लिए आप सिद्धार्थ निगम जैसे ही यू नो लोग देखते हैं. एंड तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि हर म्यूजिक वीडियो में मेरा लुक चेंज लगे, डिफरेंट लगे, ताकि हर म्यूजिक वीडियो में जब भी आप लोग देखें तो आपको कुछ अलग देखने को मिले, बीट एनीथिंग.